सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज वाली वीडियो में रियल क्रिकेट 21 की न्यू मेगा अपडेट पर बात होने वाली क्या है, और गाइज जो के फीचर्स है मैंने थंबनेल में मेंशन किए हैं, इन सब पर डिटेल के साथ बात होगी कि क्या यार ये वाले फीचर्स है, कब तक कब तक ये नाटी लव्स मोबाइल रियल क्रिकेट 21 में ऐड कर देगी, ये बात होने वाली है। उसके साथ ये देखते हैं कि रियल क्रिकेट 21 कब आने वाली है, और आज की वीडियो में सारे न्यू फीचर्स के बारे में बात होने वाली है। इसलिए गाइज आज की वीडियो में आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रियल क्रिकेट 20 के बारे में, 21 के बारे में। सो गाइज इसलिए आपको करना ये है कि वीडियो को शुरू अंत तक देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक भी कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइज वीडियो को अंत तक देखना सबसे ज़्यादा जरूरी बात है, क्योंकि गाइज कल फिर मैं कमेंट पढ़ रहा था जिसने कहा हुआ था बंदे ने कि यार हमें चैलेंजर फ्रंट के अपडेट के बारे में बता दो। सो गाइज मैंने कल वाली WCC3 की वीडियो में बताया ये था कि चैलेंजर फ्रंट की अपडेट कब आने वाली है, तो गाइज उसने फिर से कमेंट में यही पूछा हुआ था। तो एक बंदे ने नीचे कमेंट किया था कि यार उसने सारी वीडियो में यही बताया है, तो उसको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। सो गाइज चलिए हम बात करते हैं अब रियल क्रिकेट 21 की न्यू अपडेट के बारे में। तो गाइज रियल क्रिकेट 21 की जो न्यू अपडेट होने वाली है, जो मेगा अपडेट होने वाली है, उसमें गाइज HD ग्राफिक्स ऐड होने चाहिए। HD ग्राफिक्स मतलब कि गाइज ये रियल क्रिकेट 20 के ग्राफिक्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, अच्छे ग्राफिक्स हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं कि यार हम इसको नंबर 1 क्रिकेट गेम के ग्राफिक्स कह सकें, क्योंकि गाइज इसके ये ग्राफिक्स अभी इतने खास नहीं है कि हम इसे कहें कि यार ये बहुत कमाल की गेम है। सो गाइज मुझे लगता है कि यार रियल क्रिकेट 21 के अपडेट में ग्राफिक्स इंप्रूव्ड होने चाहिए, ग्राफिक्स जरूर इम्प्रूव होने चाहिए, ताकि गेम देखने में मजा आए और पता चले कि यार हम कोई अच्छी मोबाइल गेम खेल रहे हैं। क्योंकि गाइस आपको पता है PC तो अब कम लोगों को अवेलेबल होता है, तो हर कोई अब क्रिकेट 19 खेल नहीं सकता है, या डॉन ब्रैडमैन तो खेल नहीं सकता है। तो गाइस इसलिए जिन्होंने ये गेम खेलनी होती है रियल क्रिकेट 20 वगैरह, तो इनके लिए ग्राफिक्स इंप्रूव करने चाहिए नाटी लव्स मोबाइल को। सो गाइस इसलिए HD ग्राफिक्स का फीचर मेंशन किया, और दोनों गेम्स के लिए मेंशन किया, मतलब WCC3 के लिए भी और RC21 के लिए भी, ताकि यार दोनों गेम्स में ग्राफिक्स थोड़े इंप्रूव कर दिए जाएं। सो गाइज मुझे लगता है ग्राफिक्स इंप्रूव के साथ अब हम बात करते हैं स्टेडियम्स के बारे में। सो गाइज जैसा कि आप सभी लोगों को बताएं कि रियल क्रिकेट 20 में स्टेडियम्स की थोड़ी कमी है, मतलब WCC2 जितने और WCC3 जितने इसके पास स्टेडियम्स नहीं है। सो गाइज मुझे लगता है स्टेडियम्स न्यू ज़रूर ऐड होने चाहिए, क्योंकि गाइज इससे गेम ज़्यादा बढ़िया लगेगी, पता चलेगा कि हाँ भाई इस कंट्री के भी स्टेडियम्स हैं, इस कंट्री के भी सारी कंट्रीज़ के स्टेडियम्स होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें अब एक मेगा फीचर जो कि मैंने मेंशन किया है रियल टाइम मोशन कैप्चर का, और वो फीचर गाइज WCC3 से लेके किया है। सो गाइज आप लोग कहोगे कि यार रियल क्रिकेट 20 में पहले से ही रियल टाइम मोशन कैप्चर एडिड है, लेकिन गाइज रियल टाइम मोशन कैप्चर नहीं एडिड है, इतना खास एडिड कोई नहीं है। मतलब कि अगर हम देखें रियल क्रिकेट 20 में वो एनिमेशंस नहीं है, उस तरह के मोशन नहीं है जिस तरह के गाइज होने चाहिए, मतलब रियल गेम्स में जैसे आपको नाम रखा हुआ है रियल क्रिकेट 20, लेकिन गाइज उस तरह के कुछ खास शॉट्स नहीं है। और बैटिंग शॉट्स जो हैं गाइज वो प्लेयर्स के लेने चाहिए, प्लेयर्स जैसे लगाने चाहिए जैसे प्लेयर्स खेलते हैं, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। गाइज काफ़ी हद तक बैटिंग शॉट्स उन्होंने प्लेयर वाली बनाई हुई हैं, लेकिन गाइज अगर ये इम्प्रूव कर देंगे इनकी बैटिंग शॉट को तो फिर ज़्यादा बढ़िया लगेगी, फिर पता चलेगा कि हाँ भाई रियल टाइम मोशन कैप्चर भी एडिड है रियल क्रिकेट 21 में। सो गाइज ये भी रियल क्रिकेट 21 में अच्छी तरह से इंप्रूव होना चाहिए। उसके बाद कटसीन्स और एनिमेशंस की बात मैं हमेशा करता हूँ, और गाइज जब न्यू गेम आती है तो हमेशा उसमें कटसीन्स और एनिमेशन जरूर ऐड होते हैं, तो गाइज ये देखना पड़ेगा रियल क्रिकेट 21 में क्या कटसीन्स और एनिमेशन ऐड होंगी या नहीं होंगी। सो गाइज यही बात करनी थी, यही चार फीचर्स के बारे में बात करनी थी, तीन फीचर तो मैंने पहले बार मेंशन कर दिए थे, और गाइज ये चौथा फीचर कटसीन्स और एनिमेशंस का वैसे ही मेरे ज़हन में था और मुझे पता था कि ये जरूर ऐड होना चाहिए, मुझे ये लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी कुछ पता चल सके। सो गाइस आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।